उत्तराखंड में रहने वाले एक शिक्षक ने अपनी बेटी के फर्स्ट पीरियड पर बिल्कुल बर्थडे जैसा सेलिब्रेशन किया। वहाँ दावत रखी गई, केक रखा गया और लोगों ने उसे गिफ्ट्स भी दिए। अब क्या ये पहली बार हुआ? क्या भारत में हमेशा से ही पीरियड्स को अनटचेबिलिटी वाली नजर से देखा जाता था? जवाब है नहीं, क्योंकि जो अर्लीस्ट चार वेदाज है हमारे, उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि मासिक धर्म से होती हुई महिलाएं पूजा पाठ नहीं कर सकती, रोजाना की तरह घरेलू या बाहर के काम नहीं कर सकती। बल्कि धीरे धीरे समाज में ही महिलाओं के आराम के लिए ही ये प्रथाएं आई, जो बाद में एक मजबूत सामाजिक चलन बन गया। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहली चीज यही है कि पीरियड्स के दौरान, चाहे वो आज की महिलाएं हों या पहले की महिलाएं हों, पेनफुल ये सबके लिए था हमेशा से ही। काम ना करना, दिन भर आराम करना, एक कमरे से बाहर ना आना, ये सब उनकी अपनी चॉइसेस हुआ करती थी, क्योंकि पहले के जमाने में लोग बाहर नदी या तालाब में सार्वजनिक रूप से स्नान किया करते थे। लेकिन पीरियड्स वाली महिलाओं के लिए सबके साथ स्नान करना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता था इस टाइम पे, और ये हाइजीनिक भी नहीं होता था, इसीलिए वो नहीं नहाती थी इस दौरान। अब क्योंकि वो नहाई नहीं होती थी, तो पूजा पाठ, रसोई जाकर खाना बनाना, ये सब भी नहीं किया करती थी। आज भी बहुत सारे घरों में बिना नहाए रसोई में जाना वर्जित होता है। ये संस्कार किसी और ने नहीं, बल्कि हमारे महान पूर्वजों ने ही हमें सिखाया कि रसोई घर में जितनी साफ सफाई बढ़ती जाए, लोग उस घर के उतने ही स्वस्थ होते हैं। यही कारण था कि महिलाएं किचन में एंटर नहीं करती थी। तो अब हमें ये समझ जाना चाहिए कि उस समय उन नॉर्म्स की जरूरत थी, अब नहीं है। अब हमारे पास अनेकों तरीके हैं हाइजीन मेंटेन करने के, मेडिसिन है पेन को इग्नोर करने के लिए। तो ये डिसीजन कम्प्लीटली वुमेन्स का होना चाहिए कि उनको क्या कैसे करना है, या फिर सोसाइटी डिसाइड करेगी। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।